कटवा गांव में 3 दिवसीय फुटबॉल सह हॉकी प्रतियोगिता संपन्न विजेता एवं उपविजेता टीम को विधायक ने किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर और अब खबर विस्तार से। विधायक सुखराम उराव ने कहा, झारखंड सरकार युवाओं को खेल में दे रही अधिक मौका। बदगांव प्रखंड के मेरम गुट्टू पंचायत के कटवा मैदान में कटवा ग्राम सभा के तत्वाधान में 3 दिवसीय फुटबॉल सह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला वर्ग का फुटबॉल एवं पुरुष वर्ग में हॉकी प्रतियोगिता हुआ, जिसका समापन गुरुवार को किया गया। प्रतियोगिता के समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधायक सुखराम उराव एवं विधायक प्रतिनिधि सह मुखिया मिथुन गागराई, मुखिया चिरपी बोरदा, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण हंसपूर्ति मौजूद थे। फाइनल मैच का उद्घाटन विधायक सुखराम उराव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। तत्पश्चात महिला वर्ग के फुटबॉल प्रतियोगिता में 11 स्टार व SS स्कूल द्वारा खेला गया। वहीं पुरुष वर्ग के हॉकी प्रतियोगिता में लुदमकेल व केडीगाड़ा टोला के बीच खेला गया, जिसमें विजेता एवं उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को विधायक ने उपहार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए विधायक सुखराम उराव ने कहा कि खेल से शारीरिक व मानसिक विकास होता है, इसलिए युवाओं को खेल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शारीरिक व्यायाम हर उम्र में जरूरी है। वर्तमान समय जिस प्रकार हमारा जीवन शैली हो चुका है, इसमें शारीरिक मेहनत बहुत जरूरी है। वहीं झारखंड सरकार ने खेल के विकास में काफी कार्य किया है, जिसमें युवाओं को खेल के क्षेत्र में अधिक से अधिक मौका मिल सके। पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित कर युवाओं की प्रतिभा को निकाला जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को जिला स्तर पर आवासीय बोर्डिंग में रखकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के युवा नशापान से दूर रहें, सरकार आप लोगों को हर प्रकार मदद के लिए तैयार है। विधायक ने कहा कि कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए सभी तैयारी कर लें, क्योंकि चुनाव के समय कई पार्टी आपके बीच आएंगी। सभी को देखते हुए आपकी सेवा में सदैव खड़े रहने वालों को चुनकर भेजना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य में विकास का एक नया इतिहास बनाया है। भाजपा को इससे बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए चुनाव में भी उसे खाता नहीं खोलने देना है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई, झामुमो जिला उपाध्यक्ष राहुल आदित्य, आयोजन समिति के अध्यक्ष नंदराम मुंडा, उपाध्यक्ष महेंद्र मुंडा, सचिव पवन बोधरा, कोषाध्यक्ष मंगल बोधरा, सुलेमान मुंडू, मनोज कांडील, रॉबिन्सन बोधरा समेत काफी संख्या में ग्रामीण एवं खेल प्रेमी मौजूद थे। लोगों की जान भी जाती है, पैर भी टूटती है, और खासकर विशेषकर महिलाओं के लिए और भी दिक्कत होती है। अब कोई खेल है, छोटा छोटा मैदान है, खेलना चाहिए, और भी छोटा छोटा मैदान से ही आज देश लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जगह बना पाए हम लोग। तो कोई मैदान मैदान होता है, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे गाँव का हो या शहर का हो, खेल को खेल भावना से खेलिएगा तो स्वाभाविक है कि आप एक दिन ना एक दिन आप अपने जगह पर डेवलप पहुंचिएगा। आज स्कूल में भी खेल को ज्यादा महत्व झारखंड सरकार ने दिया है, और आपको लगता है कि बदलाव ब्लॉक से कई बच्ची जो फुटबॉल में भी और हॉकी में भी जिला स्तर पर उसका सिलेक्शन भी हुआ है, और जिला स्तर पर वो खेलेगी, जिला स्तर में भाग लेगी तो वो खेलेगी, तो अगर अच्छा खेलेगी तो उसको राज्य स्तर में भी उसको जगह मिल पाएगा। इसलिए जो बच्चियां स्कूल से जुड़े हुए बच्चियां हैं, आप उसको खेल से जुड़े रहिए, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा और आप अपने मंजिल को पा पाइएगा। और खासकर मैं इस गांव के सभी कमेटी नौजवानों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मैदान में हमको लगता है कि दूसरी बार हम आ रहे हैं, इस बार चुनाव जीतने के बाद एक बार आए थे और आज आपके बीच में आ रहे हैं। तो विशेष रूप से जो समस्या कुछ समस्या हमको प्राप्त हुआ है उस पर हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर अभी चुनाव के समय भी है और हमारे पास 15 से 20 दिन समय है, जिससे अगर पहले होने की स्थिति में कुछ अगर है तो हम लोग उसको करेंगे, अगर इसके समय लगेगा तो हो सकता है कि चुनाव का बाद भी होगा। और सही बात है कि मैदान है बहुत छोटा है, और जो सूचनाएं हमको मिली है कि चारों तरफ पांच पांच